Hello dears everyone, good morning. You see my first two videos about nomenclatures of haloalkenes and haloalenes. Today we are discuss about methods of the presence of haloalkenes. ठीक है, आज हम बात इसके बारे में करेंगे कि haloalkenes को बनाते कैसे हैं. अब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए भैया, कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए. उनसे जी तो हमने फर्स्ट टॉपिक आपको फर्स्ट पॉइंट लिया. इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे फ्रॉम एल्केन है, फ्रॉम एल्कीन है जिसको आप एक कंबाइंड फॉर्म में कैसे, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है, या फ्रॉम एल्कोहल है तो इससे फ्रॉम हैलाइड एक्सचेंज, फ्रॉम सिवर पार्ट ऑफ फैटी एसिड, एक्सेट्रा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड व्हिच कैन बी अराइज इन द फॉर्मेशन ऑफ हैलोएल्केन्स. और माइंड में ये भी रहता है हमारे पास, सर हम नहीं कर पाएंगे इस टाइप की रिएक्शन. ठीक है, आपको देखना क्या है, सिंपल रिएक्शन है. आंसर क्वेश्चन आंसर आपके पास रहेगा बेटा, बहुत ही दैट इज द सिंपलेस्ट ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दैट इज सिंपलेस्ट कि बनाना ये है हैलोएल्केन्स, किससे बनाना है हाइड्रोकार्बन से. क्वेश्चन ये रहा आपके पास, आंसर ये रहा आपके पास. तो आपको जल्दी देखना है, समझना है थोड़ा सा रिएक्शन में. ठीक है, अब फर्स्ट हम कह रहे हैं कि भैया सिंपल सा है, फ्रॉम एल्केन हमने कहा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन मैंने ले लिया फ्रॉम एल्केन्स. ठीक है, एक रिएक्शन आ जाएगी तो सारा हो जाएगा आपके पास. एल्केन्स में आपके पास क्या है, CH4, हमने क्या किया Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ और अल्ट्रावायलेट रेंज की प्रेजेंस में आपके पास क्या निकल गया बाहर, HCl, और क्या बच गया CH3CL. क्या बच गया आपके पास CH3CL. क्लियर है हमारे पास. इस प्रोसीजर में आपने क्या लिया है क्लोरीन, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोरीनेशन. क्या बोलते हैं क्लोरीनेशन. इसी प्रकार से आपके पास क्या आ गया CH3CL, दोबारा Cl2 के साथ क्या अल्ट्रावायलेट रेंज की प्रेजेंस में HCl बाहर निकल गया CH2Cl2. इसको दोबारा लिया हमने CH2Cl2, दोबारा क्लोरीनेशन किया जो अल्ट्रावायलेट रेंज की प्रेजेंस में किया. ठीक है, ओहो ये तो आपके पास यहां दिखा दिया प्लस Cl2, यहां दिखा दो कहीं भी दिखा दो आपकी इच्छा है. और क्या हो गया HCl CHCl3. अब हमारे पास CHCl3 प्लस Cl2 और वही दोबारा AuB और HCl CCl. लास्ट देखिए, ये मैंने लिखा रिएक्शंस आपके पास चारों फ्रॉम एल्केन से. ठीक है, फ्रॉम एल्केन ये हमारे पास क्लोरीनेशन किया बेटा, उसके क्लोरीन हैलोजनेशन साथ, इनको हम बोलते हैं जनरली हैलोजनेशन के. तो क्लोरीन के साथ करें क्लोरीनेशन, आयोडीन के साथ आयोडीनेशन, ब्रोमीन के साथ ब्रोमीनेशन. क्लियर, ये आपके पास रिएक्शन आ गई आपके पास. इस पर जनरली रिएक्शन क्या कह रहे हैं कि भाई कोई भी है हमारे पास एल्कोहल है एल्केन है RH. ओके, हमने इसकी जनरल रिएक्शन किसके साथ किया X2 हैलोजन के साथ, और किसकी प्रेजेंस में किया भाई, हमने इसको हीट किया बेटा, हीट किया हमारे पास कितने, लगभग हमारे पास 570 से 673 केल्विन टेम्परेचर पे. और आपके पास क्या बन गया RH+HX. RH+ ये क्या है आपके पास बच्चों, ये रहा आपके पास एल्केन, ये रहा हैलो. हैलो मींस इसमें हैलोजन जुड़ जाए एल्केन फॉर्म, जिस कार्बन चेन में क्या जुड़ जाए हैलोजन जुड़ जाए. ठीक है, ये आपके पास हो गया. इसको हमने कहते हैं कि बाय फ्री रेडिकल, हम कह सकते हैं हैलोजनेशंस ऑफ एल्केन्स. इसको क्या कह सकते हैं, इसको बाय फ्री रेडिकल हैलोजनेशंस प्रोसेस. क्या कह सकते हैं इसको, बाय फ्री रेडिकल हैलोजनेशन प्रोसेस. ठीक है, इसको हमने क्या किया भाई, दोबारा इसको हम हीट करेंगे, वही हमारे पास क्लोरीनेशन करेंगे. ठीक
ठीक है, क्लोरेशन किया, इस पे किया हमारे पास आपके पास, ये करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास सीएच जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, सीएच जुड़ जाएगा। देखिए एक पर तो सीएच काम किस पे करेगा, अल्फा पोजीशन पे, ये कौन सा है बीटा, ये कौन सा बीटा, अल्फा पोजीशन। अब हमारे पास अल्फा है, ये जी आप इस पर जोड़ लो, जी आप इस पर बात वही बनेगी, हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH प्लस CH3 CH CH3 और CH। देखिए मैंने एक बार तो आपके पास कहां जोड़ दिया, 1 डिग्री पे, यानी कि अल्फा पोजीशन पे, ओके। दोबारा कहां जोड़ दिया, 2 डिग्री पे, यानी कि बीटा पोजीशन पे, ठीक है। अब हमारे पास ये दो बनते हैं, ये दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं, स्टेज अप रूट से। किसने कहा, स्टेज अप रूट, उन्होंने क्या कहा कि भाई आपके पास क्लोरीन से जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा मोर देन 1 कार्बन एटम रहेगा तो वह आपके पास दो पोजीशन एक्वायर करेगा, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा से आप इस पर जोड़ सकते हो क्लोरीन, ये आपका अदर एग्जांपल हो गया, एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ दिस। एग्जाम में आपके पास आते हैं कि हाउ कैन यू प्रिपेयर अ फेलो एल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यू कैन राइट दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आल्सो एंड दिस रिएक्शंस आल्सो फ्रॉम एल्केन्स, क्लियर, फ्रॉम एल्केन। अब सेकेंडली हमारे पास बात चल रही है और रिएक्शन की, बाय एनायनिक हैलोजेनेसिस, सेकेंड ये रिएक्शन हो गई बाय एनायनिक हैलोजेनेसिस। बच्चों नॉमेनक्लेचर करवाते हैं आपसे, जो कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी उसमें बताया होगा मैंने एनायल और विनाइल्स के बारे में, ठीक है। एनायल हमारे पास क्या करता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ हैलोजन का जुड़ना, किसके साथ, sp3 हाइड्रो का कार्बन के साथ जुड़ना। अब एनायल की बात करते हैं, CH2 डबल बोन CH3 और किसके साथ किया, Cl2 के साथ, देखिए डबल बोन आ गया। अब हमारे पास इसके साथ जुड़ेगा तो आपके पास कहां जुड़ेगा, मैंने क्या कहा था कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कौन सा है, जिसके साथ सिंगल बॉन्ड होगा, ना कि डबल और ट्रिपल होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे हमारे पास। और आपके पास क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Cl, बाहर क्या निकल गया, HCl। अपना दिया हमने, अब आपके पास यहाँ क्या है, यहाँ हम क्या करते हैं इसको हीट करते हैं, इससे अबाउ रूम टेम्परेचर पे, इससे अबाउ रूम टेम्परेचर, सो दैट इज नियरली अबाउ 27723 केल्विन, ये था आपके पास कि बाय एलाइलिक हैलोजन, ये बन गया आपके पास एलाइलिक हैलाइड, क्या बन गया हमारे पास एलाइलिक हैलाइड। ये हैलोजन का इस कार्बन के साथ जुड़ना, ये कार्बन किस हाइब्रिडाइजेशन में है, sp3 किस हाइब्रिडाइजेशन में था, sp3, हम इनके लिए यूज करते हैं कि एक कार्बन जुड़ रहा है डबल बॉन्ड के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, वो आपका एलाइल होता है। अगर डायरेक्टली जुड़ता है किसके साथ, ये हैलोजन किसके साथ जुड़ जाता है, इस कार्बन एटम के साथ, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ, वहां हम इसका वर्ड नाम लगा देते हैं विनाइल, क्या लगा देते हैं हम विनाइल। That is your three reactions will be completed. And now next is bipentyl. भाई हमने अभी aromatic की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना aromatic की बात कर लें। अब कहते हैं कि pentyl halogenation from पेंजाइलिक हैलोजिनेशन में आपके पास बात आ गई, तो हमारे पास क्या है, बेंजीन आ गई, हमारे पास क्या आ जाएगी, बेंजीन। और देखिए बेंजीन की रही, मैंने आपको पेंजाइल, बेंजीन, बेंजो तीनों बताए थे नॉमेनक्लेचर में, ये आपने क्या ले लिया, आपने एल्केन की बात कर रहे हैं, तो सिंपल एल्केन में आ रहा है, हमारे पास एल्केन में आया, सॉरी टोलुइन आ गया, इसका नाम क्या है, टोलुइन, फ्रॉम एल्कीन से भी आता है अगर पास, ठीक है ना, फ्रॉम एल्कीन, अब ये आ गया किससे, एल्कीन से, और इसका हमने किसके साथ कर दिया, ब्रोमिनेशन Br2 के साथ, किसके साथ, Br2 के साथ, लाइट रिफ्लेक्स की बन जाए इसमें, क्या होगा भाई आपके पास,
CH2Br बाहर क्या निकल गया HB, क्या निकल गया HBr, क्या निकल गया मेरे पास HBr, ये हो गया बेंजाइल, ये हो गया ब्रोमाइड, नाम क्या हो गया बेंजाइल ब्रोमाइड, क्या नाम हो गया बेंजाइल ब्रोमाइड, या दूसरा आप क्या कह सकते हैं इसको, इसको एक काम एक ले लिया हमने अभी इसमें एक काम कर हो गया, एक पे क्या है ब्रोमीन वन ब्रोमो, एक पे क्या है फिनाइल वन फिनाइल, यानी वन ब्रोमो वन फिनाइल विद ए जिगे कार्बन मीन सिंगल बॉन्ड ए मीथेन, दैट इज फ्रॉम बाय बेंजाइलिक हैलोजेनेशन, हैलोजेनेशन इन जनरल कहते हैं कि ईच ऑफ हैलोजेनेशन इन जनरल, मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना बच्चों इसको, इन जनरल द ईच ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोजन एटम इज, किस फॉर्म में लिखे जाएंगे बेंजाइलिक, सबसे पहले किसका भाई हमारे पास बेंजाइलिक ज्यादा रिएक्टिव रहेगा हमारे पास, उसके बाद में कौन है बेंजाइलिक के बाद में टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, टर्शियरी सेकेंडरी सारे रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन हैलोजन एटम बेंजाइलिक टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी विनाइलिक और एराइल, लिख सकते हो आप इसमें, ये हो गया आपकी रिएक्टिविटी शोन इन दिस ऑर्डर। नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट कि हमारे पास ब्रोमिनेशन है या आपके पास होगा एल्कीन में, अगर हम इसे एल्कीन ले लो और ले लीजिए छोटी रिएक्शन ले लीजिए एल्कीन ले लिया सिंपल रिएक्शन फ्रॉम एल्कीन, इससे आ रहा है सारा, हमने दो मेथड बताए थे पहला एल्कीन और दूसरा क्या था फ्रॉम एल्कीन, अब एल्कीन में ये आ गया आपके पास इथीन और किसके साथ जा रहा है HCl के साथ, क्या बनाएगा आपके पास CH3CH2Cl, क्या बना दिया प्राइमरी 1 डिग्री हेलो एल्कीन, क्या बना दिया प्राइमरी हेलो एल्कीन, आपको बताया था कि एलिमेंटिक एलिमेंट जो हमारे पास क्लासिफाइड किया गया था हाइड्रोकार्बन को हमारे पास तीन टाइप के थे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, तो फ्रॉम एल्कीन से आप बना सकते हो, तो दैट इज योर फर्स्ट मेथड यू कैन प्रिपेयर ऑफ दिस, बस इसके अंदर एक छोटी सी बात आती है हमारे पास कि अगर हम इसको करें ब्रोमिनेशन, इसमें थोड़ा है चेंज कर देते हैं CH2 CH2 plus HBr, अगर मैंने यहां कुछ नहीं दिया कैटालिस्ट, यहां मैं लेता क्लोरोफॉर्म, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्रेजेंस होती है बच्चों क्या करेगा ये इसको फ्री रेडिकल में तोड़ देगा और आपके पास आ जाएगा CH2CH2 फ्री रेडिकल और हमारे पास सॉरी ब्रोमिनेशन Br2, अब आपके पास क्या आ जाएगा Br फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल, एक तो यहां चला गया एक यहां चला गया, आपके पास क्या बनेगा BrCH2CH2 और Br इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, क्या बन जाएगा Br CH2CH2Br, क्या नाम हो गया हमारे पास इसका 1,2 डाइब्रोमो इथेन, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, दैट इज योर फर्स्ट मेथड कि यू कैन प्रिपेयर ए प्रिपरेशन ऑफ किस चीज को हेलो एल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग टू टाइप्स में आपके पास फ्रॉम एल्केन एंड एल्कीन, तो आपको ये लिखना है बेटा इसमें, ठीक है इसमें छोटी सिंपल सी रिएक्शन है। नाउ सेकंड इज योर आपके पास फ्रॉम हेलो एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल सेकंड मेथड, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल कौन सा ग्रुप होता है OH, हमने ले लिया ROH, क्या ले लिया हमने ROH, किसके साथ किया H एक्सटर्नल रिएक्शन, H X इनके साथ किया और आपके पास क्या बन गया, यहां हम क्या करें डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहां हम यूज कर लेते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते ही, देखो
H और OH तो किस में निकल जाएगा, H2O में। बच गया क्या आपके पास R X, और बाहर क्या निकल गया H, ये तो आपने बनाना था। किससे बनाया H2OH, किससे बनाया आपने H2OH से लिया आपके पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH प्लस HCl, ये हमारे पास दे दिया हमने CH3 CH2Cl प्लस H2O, ठीक है। इथाइल क्लोराइड, क्या बनेगा हमारे पास इथाइल क्लोराइड, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ग्लोव प्रोसेस। ये रिएक्शन कहलाई हमारे पास ग्लोव प्रोसेस, क्या कह रहा है हमारे पास ये ग्लोव प्रोसेस। देखिए आपको जो रिएक्शन करवा रहे हैं ना, वो आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं, वो आपके नेमिंग रिएक्शन में होगी, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन भी आती है नाम के अनुसार, देन योर ग्रोव प्रोसेस कह दिया, और इसको आपने क्या कह दिया प्रिपरेशन ऑफ फ्रॉम एल्कोहल से, ये कह दिया, ठीक है। अब हमारे पास कह रहे हैं कि भाई फॉर ए गिवन एल्कोहल, फॉर ए गिवन एल्कोहल द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हैलोजन एसिड आर गिवन एज HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl। फ्लोरीन रिएक्ट नहीं करता भाई, उसकी क्या होता है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हाईर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, स्मॉल इन साइज होता है, इसलिए फ्लोरीन को हम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये है, ठीक है। अब उनकी बात करेंगे बाय द एक्शन ऑफ फोर्स, अब इसी के अंदर इसके दो पार्ट्स है, ये तो रिएक्टिविटी हो गई हैलोजन एसिडिटी फ्रॉम एल्कोहल। अब कह रहे हैं कि बाय रिएक्शन by the presence of phosphorus halide चलो भाई बात कर लेते हैं। phosphorus बेटा P होता है, और इसकी दो होती है oxidation state, एक minus P होती है, एक plus 5 होती है, जिसका मैं hydrogen के साथ कर रहा था PCl3 और PCl5 दोनों बना रहा है हमारे पास, ठीक है। तो हम दोनों रिएक्शन पढ़ लेंगे, PCl3 के साथ क्या होगा, PCl5 के साथ क्या होगा। अगर PCl3 की बात करते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास कोई ना कोई कंपाउंड को बाहर निकालेगा, लाइक एज H3PO4 या H3PO3 H3PO2 हमारे पास, जब हम इस रिएक्शन करेंगे तो। और जो PCl5 है वो एक करेगा, वो आपके पास क्या बनाएगा PCl3 प्लस क्या निकालेगा बाहर Cl2, ये पता होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब हमने कहा फॉस्फोरस हैलाइड, अब हम इसको कह रहे हैं कि CH3 CH2OH प्लस PCl5, इसके साथ किया PCl5, तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जब ये लिया तो ये आपके पास क्या करेगा PCl3 वो निकालेगा, रखेगा हमारे पास, और क्या बनाएगा CH3 CH2 और Cl। देखो क्लोरीनेशन जो इसने क्लोरीन दिया वो तो ठीक है, अब बच गया फॉस्फोरस और क्लोरीन, वो किसके साथ करेगा ऑक्सीजन के साथ, बाहर क्या निकालेगा POCl3 और बाहर क्या निकाल दिया HCl, क्या निकाल दिया बाहर HCl। तो PCl3 की कहानी क्या है भाई, आपके पास क्या बनाने की फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, ऑक्सी हैलाइड कंपाउंड, ये बनेगा आपका हेलो एल्केन्स क्लियर रिएक्शन। ऐसे अगर हम बात करें किसकी PCl3 की, CH3 CH2OH और प्लस क्या लगा PCl3, तो बच्चों ये हो गया CH3 CH2Cl, तो बाहर क्या निकल गया देखो फॉस्फोरस भी है हाइड्रोजन भी है H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड, क्या निकल गया बाहर फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास थायोडाइल क्लोराइड बाय द एक्शन ऑफ थायोडाइल क्लोराइड। थायोडाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है SOCl2। अगर हम इसी एल्कोहल की इसी के अंदर बात कर रहे हैं बाय थायोनाइल क्लोराइड CH3CH2OH, थायो ग्रुप होता है S, S के दोनों तरफ क्या हो ओन हो थायो, ठीक है थायो ग्रुप। अब क्या थायोनाइल क्लोराइड के साथ किया SOCl2 थायोनाइल
क्लोराइड, ये है आपका थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ किया। पाइरिडीन की प्रेजेंस में बच्चों किसकी प्रेजेंस किया पे, पाइरिडीन करते ही ये क्या करेगा, इनको तोड़ देगा कंपाउंड को, किसमें SO2, खुद किसमें निकल जाएगा SO2 में बाहर निकल जाएगा, ये HCl HCl में बाहर निकल जाएगा, बचेगा उसको लिख दो भाई CH3 CH2 Cl SO2 बाहर निकल गया, बाहर क्या बन गया HCl, ये हमने बनाना था। तो फ्रॉम अल्कोहल से बेटा आपके पास चल रहे हैं सारे, तो बच्चों आपके पास किससे चल रहे हैं, उसमें फॉस्फोराइड भी हो गया, PCl3 PCl5 थायोनाइल क्लोराइड भी हो गया, और जनरली आपकी रिएक्शन में होगी फ्रॉम अल्कोहल। दैट इज योर सेकंड मेथड, यू कैन प्रिपेयर ऑफ हेलो एल्केन्स। नाउ नेक्स्ट मेथड आपका नेक्स्ट इज योर आपके पास है फ्रॉम बाई हैलाइड एक्सचेंज थर्ड, बाई हैलाइड एक्सचेंज कि हेलोजन का आपस में चेंज होना, जब हेलोजन हेलोजन आपस में चेंज हो जाते हैं, मैं हेलोजन चेंज इनटू अनदर हेलोजन, तो हम उनको कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, क्या कहते हैं उनको इंटर हेलोजन कंपाउंड। यहां क्या कह रहा है कि भाई आपके पास हैलाइड एक्सचेंज है, हेलोजन चेंज हो रहे हैं, C2H5Br4 एग्जांपल लेते हैं, और हमने किसके साथ किया इसको, C2H5Br को सोडियम आयोडाइड NaI, तो बच्चों क्या बन जाएगा हमारे पास C2H5I, और बाहर क्या निकल गया NaBr, ये तो है अपने आप, अपने आप तो कोई काम नहीं होगा, यहाँ तो कुछ ना कुछ तो काम आएगा, जो काम कर रहा है वो काम कौन कर रहा है बेटा, एसीटोन, कौन आपके पास कैटलिस्ट है, एसीटोन। इसी प्रकार से अगर आपने ये किया C2H5Cl Hg मर्क्यूरस क्लोराइड Hg F2 Hg F2 Hg2 F2 सॉरी, तो आपके पास सीधे सी बात है क्लोरीन यहां आ जाएगा, फ्लोरीन यहां आ जाएगा, C2H5F मेन प्रोडक्ट हो गया आपका, मेन प्रोडक्ट हो गया। ये होने के बाद में हमारे पास कितने आते हैं रिएक्टर, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा तो आते हैं Hg2Cl, ये वेस्ट मटेरियल है, मर्क्यूरस क्लोराइड हमारे पास, मर्क्यूरी क्लोराइड सॉरी मर्क्यूरी क्लोराइड आते हैं आपके पास, इनको हमने कहा दोनों रिएक्शन तो आपके पास लिखे देखिए हैलाइड्स में, ये दोनों हमारे पास नेमिंग रिएक्शन है, ये है फिंकरस्टीन रिएक्शन, और ये आपका नाम, इनका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन, क्या नाम इनका, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये आपके पास थर्ड है कि हैलाइड एक्सचेंज भी कह सकते हो या आप इनको फिंकरस्टीन या स्वार्ट्स रिएक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, दैट इज थर्ड मेथड। एंड नाउ फोर्थ, फोर्थ मेथड आपके पास क्या है, फ्रॉम सिल्वर साल्ट फैटी एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, देखिए सिल्वर सॉल्ट है, हाईली फैटी एसिड है, तो हमारे पास हाईली फैटी एसिड में कौन सा कंपाउंड आएगा, हमारे पास एक जो हमने लिया था साबुन प्रिपरेशन सरसों बनाने में CH3COOAG, ये लीजिए श्रीमान जी सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड हम क्या देंगे, ठीक है, किसके साथ किया, ब्रोमिनेशन किया, और आपके पास जब इनको करते हैं किसके प्रेजेंस में करेंगे भाई, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, जो मैंने पिछले रिएक्शन लिखवाई थी आपको करवाई जा रही है रिएक्शन जरा स्टीसी में देखना, CCl4 की प्रेजेंस में क्या था, ब्रोमीन क्या करता है, दोनों कंपाउंड पे टूट कर लग जाता है ब्रोमीन, इसका ब्रोमिनेशन हो जाता है, फ्री रेडिकल में आ जाता है ये इस प्रकार से, ठीक है, और ये फ्री रेडिकल में आ गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3COOCH3, आपके पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये CH3CH2Br, CH3CH2Br हमें तो ये बनाना है, एक यूसरी है ये क्या आपके, आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स किससे, फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ
फैटी एसिड, ये रहा सिंगल शॉट ऑफ फैटी एसिड ब्रोमीन के साथ के हाइड्रोजन के साथ ये बन गया हमारे पास CH3CH2Br। अब आपके पास क्या बच गया CO2, ये किसके रूप में CO2 बाहर निकल गया, प्लस बाहर क्या निकल गया EgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपका हो गया एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल हैलाइड जनरली नाम इसका, एल्काइल हैलाइड क्या नाम इसका जनरली एल्काइल हैलाइड। इसको कहा आपने हंस डीकर रिएक्शंस, ठीक है, बोरोडाइन हंस डीकर रिएक्शन दैट इज कॉल्ड बोरोडाइन हंस डीकर रिएक्शन। तीन रिएक्शन हो गए आपके पास, these are four methods to preparation of haloalkanes from different types, first from hydrocarbon, from alcohol, from halide exchange, from silver salt of fatty acid। भाई आप I2 से भी कर सकते हो, I2 अगर हमने हाइड्रेट ले लिया वो कहलाएगी हमारे पास विम बॉन्ड, आपके पास साइमिनेंस रिएक्शंस क्या कहलाएगी सिल्वर एसिडेट, ये कौन सा है हमारे पास सिल्वर एसिडेट। अगर आपके पास सिल्वर एसिडेट है अगर हमने यहां इस रिएक्शन में थोड़ा चेंज कर दिया I2 ले लिया तो जो I2 लेते ही हमारे पास क्या होगा CH3CH2I आपके पास एल्काइल हैलाइड बन गया वही हमारे पास। और इसको रिएक्शन को कहा हमने विम बॉन्ड विम बॉन्ड्स आपके पास सिमोनी सिमोनी रिएक्शन, ठीक है विम बॉन्ड सिमोनी रिएक्शन Ni सिमोनी रिएक्शन। ये आपके पास कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे, देखो नेमिंग रिएक्शन भी हुआ है मेथड प्रिपरेशन है लो एलकेन भी हुआ है। यू सी द दिस वीडियो केयरफुली, हर एक को बताया गया है कौन सा एक्सचेंज कहां हो रहा है क्यों हो रहा है किसकी प्रेजेंस में हो रहा है। हमने दो ही तीन चीजें आपसे ऑपरेट स्टार्ट करवाते वक्त कहा था, तीन चीजें याद कर लेना भाई। आपका पहला क्या याद करोगे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप, सेकंड एल्काइल हैलाइड, थर्ड कोई भी हैलोजन, ठीक है फोर्थ हमारा कैटलिस्ट है वो हम डिफरेंट टाइप से शो कर रहे हैं, ठीक है थैंक यू।